उधर नोएडा के सेक्टर 20 थाना पुलिस ने घर में हुई महिला वकील की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी का पत्नी से कोठी बेचने को लेकर विवाद हुआ था। इस बीच दोनों के बीच मारपीट हुई और गला दबाकर हत्या कर दिया जाता है। फिर शव को बाथरूम में छुपा कर जो आरोपी पति है वो खुद को स्टोर रूम में बंद कर लेता है। नोएडा में महिला वकील की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी जो थे वो उसके पति ही निकले हैं। इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी हरीशचंद्र जी। आइए जानते हैं इस हत्या का पूरा घटनाक्रम क्या था। सर, महिला वकील की हत्या हुई थी, आरोपी पति को गिरफ्तार किया है, पूरा घटनाक्रम क्या था, क्यों हत्या की थी? कल एक सूचना थाना 20 को प्राप्त हुई थी अजय कुमार नाम के एक व्यक्ति के द्वारा कि उनकी बहन जिनका नाम रेणु सिन्हा है वो जो दो दिन से मिसिंग है, फ़ोन अटेंड नहीं कर रही हैं। इस पर तत्काल सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और चूंकि दरवाजे बंद थे तो उनको तोड़ करके जो है वो अंदर एंट्री ली गई। अंदर जो है वो बेडरूम के बगल में बाथरूम में उनकी डेड बॉडी मिली थी। तत्काल जो है वो फॉरेंसिक टीम और जितने भी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन टीम थे हमारे सब वहाँ पर पहुँचे। इंटेंसिव सर्च सीजर के बाद जो है वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिवार की जो ब्रदर हैं इनके उनकी तहरीर पर एक अभियोग 302 का जो है वो थाना 20 में पंजीकृत किया गया था। तत्पश्चात जो है वो सेकंड सर्च फर्स्ट फ्लोर का हम लोगों ने किया था। उसमें रात्रि में लगभग 1 बजे के आसपास जो है वो ये स्टोर रूम में अंदर से दरवाज़ा बंद करके और ताला लगा करके बैठे हुए थे, उसको दरवाजे को तोड़ करके इनको बाहर निकाला गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया नितिन ने कि चूँकि वो प्रॉपर्टी जो एंसेस्टल थी और जो लगभग 4.5 करोड़ रुपए की ये बेचना चाहते थे उसको जो है बेचने से वाइफ रेणु मना करती थी, उसी दौरान जो है वो कल इसमें इनका झगड़ा हुआ और उसमें इन्होंने हत्या कर दी। सर, बताया जा रहा है जो आरोपी है जो घर में छुप के बैठे हुए थे इनके पति, तो उस दरमियान इन्होंने भागने की भी क्या तैयारी थी, पासपोर्ट मिला बताया जा रहा है? चूँकि सूचना के बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई थी और इनके पास इनका पासपोर्ट भी था, परंतु ये ऊपर छुपे हुए बैठे थे और नीचे पुलिस थी इसलिए वो भाग नहीं पाए। और अगर जो है वहाँ से पुलिस हट जाती या इनको थोड़ा सा भी लीनियंट टाइम मिलता तो ये निश्चित तौर पे बाहर विदेश भागते। हालांकि उसके लिए भी हमने अपना जो प्रोसेस है लुकआउट सर्कुलर का वो स्टार्ट कर दिया था और वो रात्रि में ही जारी हो गया था। आरोपी की प्रोफाइल क्या है सर? ये 1988 बैच के इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के अधिकारी थे। 1997 में इन्होंने वहाँ से जो है वो सर्विस से रिज़ाइन कर दिया था और उसके बाद जो है ये घर पे रहते थे। परिवार में घटना के वक्त कोई कौन कौन मौजूद थे? ये और इनकी पत्नी बस दो ही लोग रहते थे। इनका एक बेटा है जो बाहर रहता है और इनके मृतका के जो भाई हैं वो भी नोएडा में रहते हैं पर वो काफ़ी दूर रहते हैं। तो ये थे डीसीपी हरीशचंद्र जी जिन्होंने बताया कि जो संपत्ति थी उसको कोठी को बेचने के विवाद में अक्सर इनमें झगड़ा हुआ करता था, उसी झगड़े को लेकर उन्होंने गला दबाकर हत्या कर दी। नोएडा से यूनुस आलम, रफ्तार मीडिया।